नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज की फिल्मी दुनिया में। मुंबई में महालक्ष्मी के फेमस स्टूडियो में एक रात राज कपूर अपनी फिल्म का एक गाना रिकॉर्ड कर रहे थे। शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में लता मंगेशकर माइक्रोफोन पर गा रही थी। रिकॉर्डिंग सुबह 4:30 बजे खत्म हुई। राज कपूर ने बढ़िया अदरक वाली चाय बनाने का ऑर्डर दिया। लता जी स्टूडियो से निकलकर बाहर लॉन में एक पेड़ के चबूतरे पर बैठ गईं। सुबह की ठंडी ब्यार बह रही थी। रिकॉर्डिंग रूम का दरवाज़ा खोलकर राज कपूर अपने संगीतकारों के साथ बैठे थे और चाय का इंतज़ार कर रहे थे। तभी राज कपूर को मीरा के भजन सुनाई दिए। लता जी चबूतरे पर बैठी भैरवी राग में मीरा को गा रही थी। दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। राज कपूर को दूर से आती लता जी की आवाज़ ऐसी लगी मानो दूर किसी मंदिर में घंटी बज रही हो। उनके कदम अनायास ही लता जी की तरफ बढ़ गए। राज कपूर के जेहन में फिल्म के सीन उभरने लगे, जैसे कोई हीरो पहाड़ी मंदिर से आ रही एक मधुर आवाज़ सुनकर उसके पीछे भागता चला जा रहा हो। नायक देखता है कि एक साधारण सी दिखने वाली लड़की इतना मधुर भजन गा रही है। राज कपूर ने उसी वक्त लता जी से कहा कि तुम्हारी मधुर आवाज़ में भजन सुनकर मुझे एक फिल्म का आइडिया आया है, तुम मेरी फिल्म में नायिका का रोल करोगी? लता जी ने हंसते हुए पूछा, आइडिया क्या है? राज कपूर ने कहा कि एक साधारण शक्ल सूरत वाली लड़की की असाधारण आवाज़ की कहानी होगी। आइडिया सुनने के बाद लता जी ने फिल्म में नायिका का रोल करने के लिए हाँ कह दिया। इसके बाद राज कपूर फिल्म जागते रहो बनाने में जुट गए। उसी दौरान उन्होंने उस आइडिया पर भी काम शुरू कर दिया। फिल्म जागते रहो पूरी होने के बाद राज कपूर और नरगिस की जोड़ी टूट गई, क्योंकि नरगिस ने हमेशा के लिए राज कपूर और आर के स्टूडियो से खुद को अलग कर लिया। नरगिस के जाने के बाद राज कपूर के पास कोई हीरोइन नहीं थी। उन्होंने लता मंगेशकर को लेकर बनने वाली फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम शुरू कर दिया, लेकिन लता जी अपनी रिकॉर्डिंग और शो में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गईं। उन्होंने राज कपूर की फिल्म में अभिनय करने से मना कर दिया। राज कपूर ने भी उस आइडिया को ठंडे बस्ते में डाल दिया। कई साल बीत गए। राज कपूर ने एक बार फिर उस आइडिया पर स्क्रिप्ट तैयार कराई और उस फिल्म के हीरो के लिए राजेश खन्ना को साइन करने का फैसला कर लिया। यह 70 के दशक की बात है, जब अमिताभ बच्चन के स्टारडम का सूरज चमक रहा था और राजेश खन्ना की फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी। फ्लॉप की वजह कोई गलत कहानियों का चुनाव नहीं था, बल्कि राजेश खन्ना की रोमांटिक छवि पर अमिताभ बच्चन का एंग्री यंग मैन का किरदार भारी पड़ रहा था। प्रेम कहानी की जगह लोगों को अमिताभ बच्चन का एक्शन पसंद आ रहा था। दूसरी वजह यह थी कि स्टारडम ने राजेश खन्ना को इतना जिद्दी और अभिमानी बना दिया था कि वो प्रोड्यूसरों को सालों साल इंतजार कराने लगे। अपने को एक्टर्स के साथ भी उनका व्यवहार सही नहीं रहता था। बड़े बड़े प्रोड्यूसर अब उनसे कन्नी काटने लगे थे। फ्लॉप हो रही फिल्मों के बीच राज कपूर का ऑफर राजेश खन्ना के लिए तपती धूप में बारिश बनकर आया। आर के बैनर की फिल्म में काम करना प्रतिष्ठा की बात होती थी। राजेश खन्ना को लगा कि यह फिल्म उनके गिरते कैरियर के लिए मजबूत सहारा बन सकती है, इसीलिए उन्होंने तुरंत हाँ बोल दी। उस फिल्म की हीरोइन के लिए हेमा मालिनी को सिलेक्ट किया गया। जब राज कपूर ने अपने परिवार को ब्रेकफास्ट टेबल पर यह खबर सुनाई कि उनकी अगली फिल्म राजेश खन्ना कर रहे हैं, तो ऋषि और रणधीर कपूर ने
तुरंत ही ऐतराज जता दिया। रणधीर को इस बात का गुस्सा था कि राजेश खन्ना अपने सेट पर राज कपूर का मजाक उड़ाते थे, उनको नकली चार्ली चैपलिन कहा करते थे। ऋषि कपूर की नाराजगी यह थी कि फिल्म बॉबी के हिट होते ही काका उनकी हीरोइन डिंपल को ले उड़े और फिल्म इंडस्ट्री से दूर कर दिया। उनकी परेशानी यह थी कि उस समय ऋषि कपूर की हम उम्र कोई हीरोइन इंडस्ट्री में नहीं थी जिसके साथ उनकी जोड़ी बन सके। उस वक्त की सारी हीरोइनें ऋषि कपूर से उम्र में बड़ी थी। ऋषि कपूर ने एक बार कहा भी था कि मालूम नहीं क्यों उस दौरान इंडस्ट्री में काफी लोग काका से नाराज रहते थे। सम्मी कपूर ने भी काका का विरोध किया। वजह यह थी कि शक्ति सामंत की कश्मीर की कली और एन इवनिंग इन पेरिस जैसी फिल्में करने वाले सम्मी कपूर को राजेश खन्ना ने जबरदस्त चुनौती दी थी और शक्ति सामंत की अगली फिल्में आराधना, कटी पतंग और अमर प्रेम राजेश खन्ना ने अपनी झोली में कर ली थी। इस तरह राज साहब को छोड़कर कपूर परिवार के सारे अभिनेता राजेश खन्ना से खफा हो गए थे। वे राज कपूर पर दबाव डालने लगे कि राजेश खन्ना को अपनी फिल्म से बाहर का रास्ता दिखा दीजिए। राज कपूर दुविधा में पड़ गए। उन्होंने अपनी मजबूरी बताई कि ये रोल सम्मी कपूर नहीं कर सकता क्योंकि उसने अपना वजन बढ़ा लिया है, ऋषि अभी उस रोल के लिए छोटा है, डब्बू यानी रणधीर उस रोल में फिट नहीं होता। बचे शशि कपूर, तो उनके लिए राज साहब ने कहा कि शशि के पास तो डेट ही नहीं है। आजकल वो टैक्सी बन गया है, जो उसे पेमेंट कर देता है वो उसकी ही फिल्में करने लगता है। आखिर मेरे पास चॉइस क्या है? लेकिन कपूर परिवार अड़ गया। उन सब ने राज साहब से कहा कि हम कोई रास्ता निकाल लेंगे, पर आपको पहले काका को फिल्म से बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा। पसोपेश में फंसे राज कपूर को मजबूरी में यह कठोर फैसला लेना पड़ा और राजेश खन्ना की जगह उस फिल्म में शशि कपूर को कास्ट किया गया। उस फिल्म का नाम है सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य है स्वयं से संबंध, शिवम है कल्याण, मूल्य यानी समाज से संबंध, सुंदरम है प्रकृति से संबंध। इसी दर्शन पर फिल्म की कहानी बुनी जाती है। जब हेमा मालिनी को पूरी स्क्रिप्ट सुनाई गई तो उन्होंने फिल्म में अर्धनग्न शॉट देने पर ऐतराज किया, लेकिन वो राज कपूर को सीधे बोल नहीं पाई। आर के स्टूडियो से बार बार कॉल जाने के बाद भी जब हेमा बिजी होने का बहाना करने लगी तो राज कपूर समझ गए कि हेमा यह रोल नहीं करना चाहती। उसके बाद दूसरी हीरोइन की तलाश शुरू हुई। राज कपूर कुछ साल पहले देवानंद की फिल्म इश्क 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 की पार्टी में गए थे। वहां देव साहब ने अपनी फिल्म की नई हीरोइन से परिचय कराया था। राज कपूर ने उस नई लड़की के हुस्न की काफ़ी तारीफ की थी। हेमा ने जब सत्यम शिवम सुंदरम में काम करने से मना कर दिया तब राज कपूर को उस लड़की की याद आई। वो लड़की सफ़ेद साड़ी में ऑडिशन देने आर के स्टूडियो पहुंची। राज कपूर को उसका ऑडिशन काफ़ी पसंद आया। वो लड़की थी जीनत अमान। उसके बाद जीनत अमान को रूपा के रोल के लिए साइन किया गया। अपने जमाने की यह बोल्ड फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम 22 मार्च 1978 को रिलीज हुई और जबरदस्त ढंग से कामयाब हुई। आज भी हर पर्व त्योहारों पर गांव से लेकर शहरों तक इसका गीत जसोमती मैया से बोले नंदलाला खूब बजता है। राजेश खन्ना ताउम्र इस बात के लिए अफसोस जाहिर करते रहे कि कामयाबी में अगर उनके पैर जमीन पर रहे होते तो एक अच्छी फिल्म उनके हाथ से ना निकलती। दोस्तों, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।